गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि बीकॉम के लिए, बैफ के लिए, बीबीआई के लिए, एमकॉम के लिए, कोई भी अगर आप फाइनेंस रिलेटेड स्टडी करते हो तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ देखे तो हम लोग 15 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन क्या करता है एग्जाम में आता है, बाद में डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले समझते कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या। इनपुट और एक है टैक्स और एक है क्रेडिट, तीन वर्ड्स यहाँ पे, राइट? इनपुट टैक्स एंड क्रेडिट। मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस रिड्यूसिंग द टैक्सेस ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट, दैट इज अ परचेस, फ्रॉम टैक्सेस टू बी पेड ऑन आउटपुट, दैट इज सेल्स। अभी क्या है उसका मतलब, मैं आपको समझा रहा हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, जैसे कि सपोज मैं कौन हूं, एक टैक्स पेयर हूं। कौन हूं? टैक्स पेयर। सिंपल एकदम कंक्लूजन बता रहा आपको, मैं कौन हूं, एक टैक्स पेयर, ये सो एंड सो पर्सन है, राइट? अब ये क्या करेगा, इसको कोई भी ना कोई फर्दर प्रोसेस के लिए क्या चाहिए रहेंगे, मटेरियल चाहिए रहेगा। ये फर्दर प्रोसेस के लिए क्या चाहिए इसको, मटेरियल चाहिए। तो ये मटेरियल कहां से लाएगा, इनपुट करेगा अपने प्रोसेस के अंदर, दैट इज सपोज करो यहां पे रॉ मटेरियल हो गया, राइट? और क्या हो गया, सर्विस भी हो सकता है इनपुट के अंदर, राइट? एक्सेट्रा पकड़, कुछ भी अगर वो मटेरियल क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब यहां ये जो सप्लायर है, एक तरह कौन है, ये सप्लायर, ये सप्लायर इसको मटेरियल देगा, मतलब ये दूसरा मतलब ये होगी, ये टैक्स पेयर है, ये बिजनेसमैन है, तो इससे कुछ ना कुछ मटेरियल खरीदेगा ना, ये खरीदेगा, मतलब ये तो उसको सप्लाई कर रहा है ना, हाँ या ना? फिर ये उसको क्या करेगा, फर्दर प्रोसेस करेगा, फर्दर प्रोसेस मतलब कुछ उसमें एडिशन ऐड करेगा, कुछ ना कुछ उसको प्रॉपर फिनिश गुड्स में बनाएगा, और फाइनली क्या करेगा ये बंदा, किसी को क्या करेगा, सोल्ड करेगा, सेल कर देगा, बेच देगा, राइट? यही प्रोसेस होने वाला है ना, कि ये बंदा जो टैक्स पेयर है वो कहीं से रॉ मटेरियल परचेस करेगा, राइट? फिर प्रोसेस करेगा, फर्दर प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं, और फाइनली क्या कर देगा, सोल्ड कर देगा। अब इस केस में क्या होगा, तो जो ये मटेरियल यहाँ पे जो सप्लायर इसके पास जो ये सब आ रहे हैं वो हमारा क्या था, इनपुट है, क्या है, इनपुट है। अब जब इसने ये जो टैक्स पेयर है यहाँ से जो सप्लायर के पास से जो खरीद रहा है मटेरियल परचेस कर रहा है, तो वहां पर उसने जीएसटी पे किया होगा, किया कि नहीं किया? Yes. करेगा, राइट ना? तो यहाँ पे इसको जीएसटी तो पे करेगा, क्योंकि ये बिना जीएसटी के इसको बेचेगा नहीं, हाँ या ना? Yes, राइट है, समझा आपको इतना? तो ये इसको जीएसटी क्या कर रहा है, पे कर रहा है। सपोज इसने जब माल खरीदा, रॉ मटेरियल, तो 10,000 रुपया सो क्या किया, जीएसटी दिया, माल खरीदते वक्त कितना जीएसटी दिया, 10,000। और जब इसने गुड्स को बनाकर फर्दर प्रोसेस करके गुड्स को बेचा, तो उसको कितने, उसने 20,000 रुपया जीएसटी क्या किया, कलेक्ट किया, क्योंकि हम जब बेचेंगे तो कस्टमर से पहले जीएसटी कलेक्ट करेंगे, हाँ या ना? हमको गुड्स की वैल्यू कितनी है हम उससे मतलब नहीं है, हम क्या देख रहे हैं फिलहाल कि जीएसटी कितना कलेक्ट किया, राइट? तो अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, तुम मुझे 20,000 क्या कर दो, जीएसटी भर दो, तो गलत है कि सही है? गलत है, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर उसने ऑलरेडी 10,000 जीएसटी क्या कर चुका है, पे कर चुका है, राइट? पे कर चुका है। तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 10,000 का, क्योंकि इसने 20,000 रुपया तो लिया जीएसटी, लेकिन 10,000 तो ऑलरेडी पे कर चुका है ना, तो अब उसकी लायबिलिटी कितने की बनती है, 10,000 की, कितने की बन रही है, 10,000। तो यही हमारा क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। तो ये होगा हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हमारा जो सिस्टम दिख रहा है ना वो हमारा क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कि हमने जो पहले जीएसटी पे कर चुके हैं, पहले जीएसटी पे कर चुके हैं, किसके ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर, और जब हम फाइनल प्रोसेस करने के बाद गुड्स को बेच देते हैं, किसको, कंज्यूमर को, उससे जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं, और फिर जब जो पे कर चुके हो और जो कलेक्ट कर रहे हो, दोनों को जो एडजस्टमेंट करते हैं ना, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिट कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रेडिट। तो ये मतलब ना, वापस मांगना, क्या मांगना, वापस मांगना, क्रेडिट का मतलब क्या समझने का, वापस मांगना, क्योंकि हमने जो आपको पहले दे दिया है, हम आपको 20,000 तो देने को रेडी है, क्योंकि हमने कस्टमर से कितना पैसा लिया, 20,000 जीएसटी, लेकिन सुनो 10,000 तो पहले दिया था ना, तो 10,000 हमारा वापस दो,
वापस दो पहले 10, तो वापस तो गवर्नमेंट देगी नहीं, तो क्या करेगी, एडजस्ट करेगी ना, एडजस्ट करेगी, सेटलमेंट करेगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक पूरा क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के लिए हम लोग एक सम समझेंगे, मैंने यहां पे एक सम लिखा है, इसको मिटा देता हूं, अब देखो यहां पे जैसे कि मैंने सोल्ड किया कोई गुड्स 2 लाख रुपए का, ठीक है, कितने का, 2 लाख रुपए का, और उस पे 10% 12% क्या था, जीएसटी था, मतलब कितना जीएसटी भरा था मैंने, कलेक्ट किया 24,000 कलेक्ट किया, राइट। और जब मैं सोल्ड किया तो मैंने कहीं ना कहीं से मटेरियल परचेस किया रहेगा ना, तो मान लो जो मैंने परचेस किया था कितने का, 1 लाख रुपए पकड़ लो, 12% जीएसटी उसमें पे किया रहूंगा मैं, कितना आ गया, 12,000, राइट। तो अब मैंने जीएसटी कितना कलेक्ट किया, 24,000, और पहले से मैंने कितना पे कर दिया है, 12,000, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा, 12,000, ये मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा, हाँ, इतना मुझे क्या करना है, पे करना है, इतना मुझे गवर्नमेंट को और क्या करना है, पे करना है। तो हमें फाइंड आउट भी क्या करना होगा, यही कितना गवर्नमेंट को और टैक्स लाइबिलिटी है, हमारा हमारे ऊपर कितनी टैक्स लाइबिलिटी जो गवर्नमेंट को पे करनी है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर। समझ में आपको इतना, एक क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी क्वेश्चन आएंगे, ये देखो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ तक क्वेश्चन है आपका, और सॉल्यूशन में आपको ये 3 पार्ट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, 1, 2, 3, कैसा भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर के अंदर, तो आपको ये 3 टेबल फॉर्म में क्या करना है, सम को सॉल्व करना है, हाँ या ना। क्वेश्चन देखो दिखा है कि मिस्टर गुप्ता रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, गुजरात, मतलब ये बिजनेसमैन कहाँ का होगा, गुजरात का, वो अपने स्टेट में क्या है, थोड़ा कम कर दो, ये अपने स्टेट में क्या है, रजिस्टर्ड है, राइट, हाँ या ना। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, के महीने का डिटेल्स दिया हुआ है, राइट, कैलकुलेट करना है नेट टैक्स लायबिलिटी, मतलब इस गुप्ता के ऊपर कितना नेट टैक्स लायबिलिटी है, मतलब कितना गवर्नमेंट को और पे करना है, ये पता लगाना है हमको इस क्वेश्चन से, राइट। ओपनिंग बैलेंस उसका दिया हुआ है लेजर अकाउंट में कि आईजीएसटी नील है और सीजीएसटी 500 है और एसजीएसटी कितना है, 400, ये ओपनिंग बैलेंस है उसका, क्या है, ओपनिंग एडवांस में उसका है ओपनिंग, ठीक है, पेड़ है। ट्रांजेक्शन हुआ है उस महीने के अंदर, पर्टिकुलर दिसंबर के महीने में, सोल्ड गुड्स 12% जीएसटी टू मिस्टर शाह इन सूरत, फिर यहाँ पे है राजकोट, यहाँ पे है अहमदाबाद और यहाँ पे है बड़ौदा। अब आपने मतलब ये पूरा ट्रांजेक्शन कहाँ पे हुआ है, गुजरात में, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, आपको स्टेट का नाम नहीं पता होगा तो गलत हो जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अब बताओ यहाँ पे आईजीएसटी लागू होगा क्या, सिर्फ क्या लागू होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्लियर हुआ आपको, तो मुझे आईजीएसटी को कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा, अगर बना देते हो फॉर्मेलिटी के लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि कब आईजीएसटी का कॉलम बनाओगे और कब नहीं बनाओगे, तो यहाँ पे पूरा पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन एक ही स्टेट में हुआ है ना, कहाँ पे, गुजरात का बंदा है, ट्रांजेक्शन भी कहाँ हो रहा है, ये पूरे स्टेट्स कहाँ पे, राज्य कहाँ पे, राज्य मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है ना गुजरात का, तो ये सब कहाँ पे, गुजरात के अंदर है क्या, नहीं आपको याद रखना चाहिए, पता होना चाहिए, हाँ सब कहाँ पे, गुजरात में, तो ये कहाँ पे, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही काम कर रहा है ना, जो भी बाइंग और सेलिंग हो रहा है उसका कहाँ पे हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, तो आईजीएसटी का तो सवाल उठता ही नहीं, हाँ या ना। तो मैं इसको तो कट ही कर दूंगा, तो कट ना करने से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, वहां पे नील रखेंगे, समझ में आया क्या, और यहां से भी आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे सोल्ड है परचेस है परचेस है, फिर हमने 3 कॉलम बनाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना आपको इसी 3 फॉर्मेट पे क्या करना है, सॉल्व करना है। पहला है देखो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, मतलब हमने सेल्स किया ना तो कितना कलेक्ट किया जीएसटी, हम इस यहां से ये फाइंड करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी मतलब हमने कितना जीएसटी कलेक्ट किया है, किससे, कस्टमर से, कंज्यूमर से, देखो सेल्स लिखा है ना मैंने। सेकंड ये फाइंड करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स, हमने ऑलरेडी कितना टैक्स पे कर दिया है अपने रॉ मटेरियल परचेस करते वक्त, हमने
रॉ मटेरियल परचेस करते वक्त कितना टैक्स पे कर दिया है वो यहां से फाइंड करेंगे, राइट है। और फिर दोनों को क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो अपने को मिल जाएगा ना नेट टैक्स पेएबल, कि कितना हमें और पे करना है या हमको कितना रिफंड लेना है। दोनों भी हो सकता है ना पॉसिबिलिटी, या तो हमको पे करने आएगा या तो हमको रिफंड आएगा। मान लो हमने परचेस करते हुए ज्यादा भर दिया और सेल करते हुए कम भरा, तो हमारा एक्सेस निकलेगा ना, तो हम गवर्नमेंट से रिफंड लेंगे, है क्या नहीं। और अगर उल्टा आएगा तो हमको पे करना हो। एग्जाम्पल देखो, अब ये किसका है, सेल्स का है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर शाह, राइट, इन सूरत, इन सूरत, राइट है। यहाँ पे कितना है, देखो कितने सोल्ड किया उसको, अमाउंट नहीं लिखा था मैंने, अमाउंट लिख लो यहाँ पे, क्वेश्चन में अमाउंट था, वन लैक्स, ये है टू लैक्स, ये है 50,000 और ये है 70,000, राइट है। देखो यहाँ पे अमाउंट ये दिया हुआ है, राइट, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। देखो बाबू लिखो मत अभी, देखो जरा, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर साइन सूरत, राइट। तो हमने यहाँ पे कितने का सोल्ड किया उसको, एक लाख का सेल किया, सोल्ड किया किसको, शाह को ना, तो 1 लाख, राइट है, इनटू कितना परसेंट, 12%, कितना आएगा, 12,000, राइट है। मतलब हमने जीएसटी कितना कलेक्ट किया, 12,000 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया, राइट है। यहां तक डाउट है क्या, नहीं, तो ये 12,000 में आईजीएसटी में जाएगा कुछ पैसा, नहीं जाएगा, हाँ या ना, तो इसमें कितना और इसमें कितना, 6,000 और, राइट है, कुछ डाउट है। सेकेंड उसी तरह देखेंगे, वापस सोल्ड है ना, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर कुमार, कहाँ पे हो, इन राजकोट, सेम अलग ये डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का ही, तो आईजीएसटी लगेगा क्या यहाँ पे, नहीं। कितने का सोल्ड किया, 2,00,000 रुपए का, कितने का, 2,00,000, 3 × 2 = 5 ना, इनटू कितना परसेंट, 5%, जीएसटी कितना कलेक्ट किया हमने, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, 5,000, राइट है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कर लेते, तो ये कितना आ रहा है, 11,000, ये कितना आ रहा है, 11,000, राइट है। अब आ जाओ यहाँ पे परचेस में, तो परचेस है ना अपने पास, परचेस गुड्स फ्रॉम अहमदाबाद कितना है, 50,000 का, राइट, तो 50,000 इंटू 18% 9,000, यहाँ पे एडजस्टेड आएगा क्या, नहीं, तो 9 का कितना, आधा आधा, 4,500, राइट है। सेकंड वाला देख लो, परचेस, परचेस गुड्स फ्रॉम क्या है, बरोड़ा, कितना, 70,000 इंटू कितना परसेंट है, 5%, तो 5/100 कितना आएगा, 3,500 आएगा आंसर ना, 3,500, तो इसका आधा आधा कर दो, 1,750, 1,750, दोनों को प्लस कर दो, तो 4,5, 6,2, यहाँ पे देख लो, 6,2,50, राइट है। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे, यहाँ पे देखो, तो अभी टैक्स पेएबल, राइट, अभी ये हमारा क्या है, ये पहले ये देखो, ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कितना है यहाँ पे अपने, 500 और 400, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं, यहाँ पे कितना है, 500, यहाँ पे कितना है, 400, राइट है। कहाँ से लिखा है ये जो दिया था ना क्वेश्चन में,
ये मैंने यहाँ पे लिखा राइट ओपनिंग बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल उसके पहले देख लो टैक्स पेएबल हमको टैक्स कितना पे करना है ये सेल्स वाला दिख रहा है 11 और 11 कितना है अपना 11,000 राइट यस सर और इनपुट कितना अवेलेबल है अपने पास जो हमने एडवांस में पे किया है और ये वाला ना 6,250 अब क्या कर लोगे इसमें से ये दोनों माइनस इसमें से ये दोनों माइनस ये वाला 4,250 ये वाला राइट है तो ये हमारा क्या आ गया नेट टैक्स पेबल और इस गुप्ता को कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना बाकी है 4,250 और 4,350 ये हमारा नेट टैक्स पेबल तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या फाइंड करना है नेट टैक्स पेबल फाइंड करना है समझ में आया कैसे फाइंड किया इजी है ना तो ये सबसे इजी चैप्टर है और स्कोरिंग है ये फॉर्मेट में आपको क्या करना है कैसा भी क्वेश्चन आएगा हमको इसी फॉर्मेट में क्या करना है सॉल्व करना है थैंक यू